प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसको कंटिन्यू करते देखते हैं और कितनी प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा बिटवीन और अमंग, इन दोनों का अंतर पहले जरा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो लोगों को बनाया, इन दोनों लोगों के बीच की जब बात कर रहे हैं तो यूज किया गया बिटवीन। यहाँ पर एक दो तीन चार, जैसे ही दो से ऊपर बढ़ते हैं और उन दो से ऊपर के बीच की बात की जाती है तो यूज किया जाता है अमंग। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर इज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड मोहन। यहाँ पर राम और मोहन के बीच की बात कर रहे हैं इसलिए यूज किया गया बिटवीन का। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो से ज्यादा के बीच की बात की जा रही है और अप्लाई किया गया है अमंग। इस तरीके से आगे देखते हैं, यहाँ पर मैंने बिसाइड और बिसाइड्स लिखा है, इन दोनों का फर्क क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, इसको हिंदी में कह सकते हैं बगल, और बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, इट मींस साथ साथ। ही केम एंड सिट बिसाइड मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, किसका यूज किया गया बिसाइड का। आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पता है साथ साथ हिंदी के, यानी मैं हिंदी भी जानती हूं और इंग्लिश भी, ऐसी कंडीशन पे यूज किया गया है बिसाइड्स। तो देखिए किस तरीके से हम बिटवीन और अमंग एंड बिसाइड और बिसाइड्स में फर्क करते हैं। चलिए इसके आगे फर्क देखते हैं सिंस और फॉर का। सिंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इस एग्जाम्पल में देखिए, He has been reading since 2 o'clock. Exact 2 o'clock की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर time को point किया गया है, इसलिए use किया गया है since का। और यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, it means एक duration या time period बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर use किया गया है for का और यहाँ पर use किया गया है since का। अब देखते हैं हम at का use कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले at टाइम के लिए यूज किया जाता है, दे विल कम एट 6 o'clock, यहाँ पर देखिए मैंने आज का यूज किया गया है। इसी तरीके से आप 6 o'clock के पहले, इवनिंग के पहले, एट 7 o'clock, इस तरीके से आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एम के साथ, ही वॉज लुकिंग एट हिम, वो उसको देख रहा था, यानी यहाँ पर वो एम लेकर के काम कर रहा था। या इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही लॉव्ड एट मी, मुझ पर ऐसा, तो हर उस जगह पर हम एट का यूज करेंगे। एज के सेंस में भी एट का यूज किया जाता है, ही डाइड एट द एज ऑफ 60, और जब बात रेट यानी दर की होती है उस कंडीशन पे भी हम एट का यूज कर सकते हैं। राइस सेल्स एट 40 rupees अ केजी। एक एग्जांपल और देखते हैं, आई बॉट दिस एट 20 rupees अ केजी, मैंने इसे 20 rupees पर केजी, तो यहां पर भी रेट की बात की, इस वजह से यहां पर एज का इस्तेमाल किया गया। आगे देखते हैं और कितनी प्रीपोजिशंस हैं जो हमें ग्रामर में यूज करनी है। चलिए अब आगे और चलते हैं और यूज देखते हैं ओवर का और अबव का। देखिए पहले तो इस डायग्राम से समझते हैं ओवर और अबव का फर्क। जब भी कोई चीज एकदम इस कंडीशन पर ऊपर होती है तो वहां पर यूज किया जाता है ओवर। जैसे ये जो फैन इस लड़के के ऊपर लगा हुआ है, तो जब इस तरीके से मूव कर रहा है, देन फैन इज मूविंग ओवर हिज हेड, यहां पर यूज किसका किया जाएगा, ओवर का। और जब इस तरीके से, इट मींस छतराई हुई अवस्था में होती है ऊपर, तो यूज करते हैं अबव। जैसे ये क्लाउड है और क्लाउड इस लड़के के ऊपर है, यानी इस पोजीशन पर है, तो यहां पर क्या किया यूज किया जाएगा, अबव। क्लाउड्स ओवर होरिंग अबव हिज हेड, ओवर होरिंग मीन्स होता है मंडराना, और यहां पर ओवर की जगह अबव का यूज किया गया क्योंकि ये ऊपर है। ओवर और अबव का ठीक उल्टा होता है बिलो और अंडर। अगर इस पोजीशन पे नीचे आती है तो बिलो लगाते हैं, और ऐसे कोई चीज नीचे आती है तो अंडर लगाते हैं। जैसे ये फैन और इस फैन के नीचे ये बॉय, उल्टी पोजीशन कर दी, देन द बॉय इज स्टैंडिंग बिलो द फैन, लड़का पंखे के नीचे है, यूज किसका कर दिया, बिलो का।
और ये लड़का पेड़ के नीचे है तो देखिए इस पोजीशन पे है, एकदम नीचे नहीं, then the boy is standing under the tree. तो देखिए इस तरीके से हम over और above, below और under का यूज करते हैं और प्रीपोजिशंस को बहुत ही ज्यादा आसान बना लेते हैं. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशंस के बारे में डिटेल दी थी, उस तरीके से एक बार आप लोग भी कोशिश करिएगा, आपके एग्जाम्स बहुत इजी हो जाएंगे और प्रीपोजिशन जो बहुत टफ माना जाता है वो आपके लिए इजी हो जाएगा. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर.